हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, इंश्योरेंस एक ऐसा टूल है जो कि हमारे फ्यूचर में होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस से हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी कि लाइफ और प्रॉपर्टी से जुड़े रिस्क को कवर करता है इंश्योरेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी के भी लाइफ में कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो फ्यूचर में होने वाली किसी भी मिस हैपनिंग को तो इंश्योरेंस नहीं रोक सकता, लेकिन ये उस पर्टिकुलर मिस हैपनिंग से जो हमें फाइनेंशियल लॉस होता है उससे हमें प्रोटेक्शन देता है इंश्योरेंस। जैसे कि उस लॉस की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो चलो आज के इस वीडियो में जान लेते हैं कि किस प्रोसीजर के तहत आखिर ये इंश्योरेंस काम करता है। इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर कहा जाता है उस इंश्योरेंस कंपनी को, एंड इंश्योर्ड कहा जाता है उस पर्सन को जो अपना इंश्योरेंस कराता है। तो इन दोनों के बीच में जो एक लीगल एग्रीमेंट होता है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी और वो पर्सन जिसने अपना इंश्योरेंस करवाया है, इन दोनों के बीच जो एक लीगल एग्रीमेंट है उस लीगल एग्रीमेंट को कहा जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो सभी के सभी मेंशन किए जाते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में, और उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे दोनों पार्टीज़ एग्री करती हैं। दोनों पार्टीज़ यानी कि इंश्योरेंस कंपनी और वो पर्सन जिसने अपना इंश्योरेंस करवाया है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में डिसाइड की गई टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक इंश्योर्ड पर्सन को फिक्स्ड अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होता है रेगुलर बेसिस पे, जिसे कहा जाता है प्रीमियम। और प्रीमियम का अमाउंट कब कब कितना होगा, कितना पे करना होगा, यानी कि मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, कब कब उसकी पेमेंट करनी होगी, ये पॉलिसी पे डिपेंड करेगा कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद अगर उस पर्सन को कोई लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। अगर वो लॉस कवर होता है उस पर्सन के द्वारा दी गई पॉलिसी में, तो यानी कि अगर वो लॉस उस पर्सन के द्वारा ली गई इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो ही इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी बनती है उस लॉस की भरपाई करने की। तो इसीलिए किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से चेक कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंश्योरेंस का पर्पस किसी भी पर्सन को प्रॉफिट पहुंचाना नहीं होता, बल्कि इंश्योरेंस का पर्पस ये होता है कि कोई भी पर्सन उस पर्टिकुलर लॉस के होने से पहले जिस फाइनेंशियल लेवल पे इंश्योरेंस कंपनी उसको उसी लेवल पे वापस लाकर स्टैंड कर देती है, यानी कि उस पर्सन का जितना भी लॉस हुआ है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उसकी पूरी भरपाई कर दी जाती है। अब अगर बात करें इंश्योरेंस की टाइप्स की, तो इंश्योरेंस के मेनली टू टाइप्स होते हैं। नंबर वन लाइफ इंश्योरेंस, नंबर टू जनरल इंश्योरेंस। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस के अलावा बाकी जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो सभी कंसिडर किए जाते हैं जनरल इंश्योरेंस के अंडर, मतलब वो सारे जनरल इंश्योरेंस के अंडर में आएंगे। नाउ कम टू द लाइफ इंश्योरेंस। तो चलिए ये जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। इस पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है इंश्योर्ड पर्सन को कि अगर उस पर्सन को इन फ्यूचर कुछ हो जाता है तो उसके द्वारा ली गई इंश्योरेंस पॉलिसी में डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन के फैमिली को एक फिक्स्ड अमाउंट का भुगतान करेगी। ये इंश्योरेंस पॉलिसी लोग अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए लेते हैं, क्योंकि आज तो वो अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियल सपोर्टर हैं, लेकिन भगवान ना करे कि कल को उन्हें कुछ हो जाए, तो उस कंडीशन में ताकि उनके फैमिली को सफ़र ना करना पड़े। तो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस में यही सब आता है। जो भी बेसिक नॉलेज था वो मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस का दे दिया। नाउ कम टू द जनरल इंश्योरेंस। जैसा कि लाइफ इंश्योरेंस से अलग जितने भी टाइप के इंश्योरेंस होते हैं वो सभी कवर होते हैं जनरल इंश्योरेंस में, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस एक्सेट्रा।
नाउ कम टू द हेल्थ इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस पॉलिसी में होने वाले हेल्थ इश्यूज़ या कोई भी लॉस हुआ उसके खर्चाई यानी उसकी जो भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी इलाज के खर्च की भरपाई सिर्फ तभी करती है जब इलाज उन्हीं हॉस्पिटल्स में से किसी एक हॉस्पिटल में हुआ हो जो इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मेंशन किए गए हैं। नाउ कम टू होम इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस में फायर, थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर जैसे इसके वजह से घर को होने वाली कोई भी नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। यानी कि कभी ऐसे सिचुएशन आता है कि फ्लड आ गया हो या कोई वजह से हमारे घर पे आग लग जाती है तो वो सब की उस समय जो लॉस होता है उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। नाउ कम टू मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस में गाड़ी की अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है तो उससे होने वाली लॉस या समझो कोई चोरी हो जाती है तो उससे होने वाली लॉस की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। और इंडिया में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो दोस्तों होप अब आपको मोटर व्हीकल इंश्योरेंस भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे इंश्योरेंस की ओर। तो वो है हमारा क्रॉप इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस के तहत किसान को उसके होने वाले फसल के ख़राब होने से जो लॉस हो जाती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो भी कवर है वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। यानी कि किसी भी कारण अगर फसल ख़राब हो जाते हैं तो उनकी जो भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा की जाती है। और ये इंश्योरेंस तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब उस फसल को उगाने के लिए कोई लोन लिया गया हो। तो ये था इंट्रोडक्शन इंश्योरेंस का कि इंश्योरेंस यानी कि बीमा आखिर होता क्या है। तो दोस्तों होप आज की जो टॉपिक है आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारी जानकारी हम देने वाले हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमसे जुड़े हुए हमारे वीडियो से जुड़े हुए सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए तो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बस यही कहना चाहेंगे हम कि आज की जो टॉपिक थी आपको कैसे लगी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। कुछ बहुत ही अच्छे इंश्योरेंस से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।